राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंचलों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन दिल्ली में महिला से छेड़खानी और बदसलूकी के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका का है, जहां पर युवक द्वारा छात्रा पर तेजाब फेंका गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार द्वारका इलाके में एक लड़के ने एक छात्रा पर तेजाब फेंका है। घटना में बुरी तरह से घायल छात्रा को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना में दो युवक शामिल थे। ये आरोपित नीले रंग की बाइक पर सवार थे। वहीं पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा है। राजधानी में दिन दहाड़े घटी इस घटना से पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।